मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक ट्रेन में होता है और जब उसकी आँख खुलती है तो देखता है कि उसने अपना स्टेशन मिस कर दिया है और अभी ट्रेन कहीं और जा रही होती है। जब वो चेक करने के लिए जाता है तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो देखता है कि पूरी ट्रेन में खून ही खून गिरा हुआ है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है। तभी अचानक उसकी नज़र दूसरे केबिन पर पड़ती है और वो अपने सामने एक आदमी को देखता है जिसने एक सूट पहन रखा था और वो एक हैमर से सभी लोगों को मार रहा है और उन्हें काट रहा होता है। उसके पास सीन शिफ्ट होता है और हम लियोन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक फोटोग्राफर है और फिर हम उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम माया होता है। वो एक वेटर्स का काम करती है। लियोन और माया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन उन दोनों के पास अभी अपना कोई सिक्योर जॉब नहीं है। माया अपने एक फ्रेंड चार्गिस से बोलकर एक आर्ट गैलरी में लियोन का अपॉइंटमेंट फिक्स करवाती है ताकि वो अपनी फोटोज वहाँ पर लगाकर कुछ पैसे कमा सके। जब अगले दिन वो आर्ट गैलरी में चार्गिस के साथ पहुँचता है तो हम देखते हैं कि उस आर्ट गैलरी के ओनर को लियोन की फोटोज कुछ खास पसंद नहीं आती। वो लियोन की फोटोज को देखकर कहती है तुम्हें थोड़ा और फोकस करना होगा अपने काम पर। फिर वो उसकी फोटोज रिजेक्ट कर देती है और बोलती है थोड़ी और अच्छी फोटो खींच कर लाओ, इसके बाद मैं तुम्हें अच्छी जॉब दे सकूंगी। उसके बाद लियोन को रात में उसी ट्रेन के सपने आते हैं जिसमें मर्डर हो रहे हैं। फिर वो स्टेशन पर जाता है और कुछ अलग सी फोटोज लेने की कोशिश करता है। अभी वहाँ पर कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं और तभी वो उनकी फोटोज लेने लगता है लेकिन लास्ट में वो उस लड़की को बचा भी लेता है। उसके बाद वो लड़की उसे थैंक्स कहकर वहाँ से ट्रेन की ओर जाने लगती है। तभी ट्रेन का गेट बंद होने लगता है लेकिन अचानक से एक आदमी ट्रेन का गेट बंद होने से रोक देता है और गेट खोलकर लड़की को अंदर बुला लेता है। उस आदमी के हाथ में एक 8 स्टार वाली रिंग होती है और ये सब कुछ लियोन भी देख रहा होता है और वो उसके हाथ की एक फोटो भी क्लिक कर लेता है। अब हम ट्रेन में उस लड़की को देखते हैं जो कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुन रही होती है और तभी ट्रेन एक अलग ही रूट में जाने लगती है। तभी उसके पीछे एक सूट बूट पहना हुआ आदमी हैमर लेकर आता है और उसे जान से मार देता है। अब लियोन सारी फोटोज माया को दिखाता है जिसे देखकर माया काफी खुश होती है और कहती है उसने काफी यूनिक फोटो ली है। उसके बाद लियोन कैफे में जाता है और उसे वहाँ न्यूज़पेपर में उसी लड़की की फोटो दिखती है जिसे उसने रात में बचाया था। उसमें लिखा हुआ था कि ये लड़की कल रात से मिसिंग है। ये सब देखकर वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है और उसके बाद वो सीधा डिटेक्टिव के पास जाता है और उन्हें बताता है कि कल रात 3 लड़के उस लड़की को छेड़ रहे थे और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने ही उसे गायब किया हो या उसके साथ कुछ गलत किया हो। लेकिन डिटेक्टिव उसकी बात नहीं मानती और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। लियोन वहाँ से निकलकर सीधा आर्ट गैलरी के ओनर के पास पहुँचता है और उसने जो फोटोज ली थी वो उसको दिखाता है। आर्ट गैलरी की ओनर वो फोटोज देखकर उससे काफी इम्प्रेस होती है और उसे बोलती है कि तुम अगर ऐसी ही फोटो लेकर आते रहोगे तो मैं उसे आर्ट गैलरी में लगाऊंगी जिससे कि तुम फ्यूचर में काफी अच्छे पैसे भी कमा सकोगी। इस खुशी में लियोन, उसकी गर्लफ्रेंड माया और उसका फ्रेंड चार्गिस तीनों मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद सीन फिर से ट्रेन में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि 3 लोग फिर से उस ट्रेन में सवार हो चुके हैं और वो सब लास्ट स्टेशन क्रॉस कर चुके हैं। में एक लड़की होती है जो बोलती है कि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि उसने इस ट्रेन की कहानियां सुनी है। अभी उसका हस्बैंड कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अभी पीछे से एक किलर हथौड़े से उनके दोस्त के सर पर मारता है जिससे कि उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। उसके बाद वो उसके हस्बैंड को भी हुक से मारकर बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है और अब वो किलर उस लेडी की तरफ बढ़ता है लेकिन उसका हस्बैंड उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है तो वो किलर हथौड़ी से उसका सर ही फोड़ देता है। और अब बारी होती है उस लेडी की और उस लेडी को वो इतना जोर से हथौड़ी से मारता है कि उसका सर उसके धड़ से ही अलग हो जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। लियोन उस स्टेशन के बाहर बैठा होता है तभी वो उस किलर को देखता है जो कि सूट पहनकर उस ट्रेन से निकल रहा होता है और वो उसका पीछा करता है, उसकी कुछ फोटोज लेने लगता है और उसके हाथ की अंगूठी को भी वो देख लेता है। फिर उसकी फोटोज लेते हुए वो उसका पीछा करता है तो किलर भी उसे देख लेता है लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता और उसे छोड़कर वो निकल जाता है एक होटल में। तब लियोन उस होटल का नाम देख लेता है जहाँ पर ये आदमी रहता था। घर आकर लियोन फोटोज देखता है तो उसे पता लगता है कि इस आदमी ने जो रिंग पहन रखी थी सेम वही रिंग है जिसे पिछली रात उसने देखा था, जिसने ट्रेन में उस लड़की के लिए दरवाजा खोला था। ये सब देखकर उसको उस आदमी पर शक हो जाता है कि शायद इसने ही उस लड़की का मर्डर किया है। लियोन अपनी फोटोज खींचने की जॉब छोड़कर एक डिटेक्टिव जैसी जॉब करने लग जाता है और वो देखता है कि वो किलर एक मीट फैक्ट्री में काम करता है और रोज रात को सबसे लास्ट वाली ट्रेन पकड़ता है। जब लियोन उस ट्रेन में जाने वाला होता है तभी एक पुलिस ऑफिसर उसको रोक लेता है और उसे फोटोज खींचने के लिए मना करता है। इस वजह से लियोन
वो ट्रेन मिस कर देता है और वो ट्रेन वहाँ से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं इस ट्रेन में एक और आदमी चढ़ता है और वो किलर उस पर हथौड़ी से अटैक करता है, लेकिन तभी किलर को काफी पेन होने लगता है, उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लग जाती है और ये मौका देखकर वो आदमी अपनी जेब से एक चाकू निकालता है, किलर पर हमला कर देता है। वो उस पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन इसी बीच ड्राइवर को उनकी आवाज सुनाई देती है और वो अपनी गन लेकर पीछे आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ड्राइवर पैसेंजर को शूट कर देता है। उसके बाद वो किलर से बोलता है कि तुमने मुझे डिसअपॉइंटमेंट किया है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये ड्राइवर भी किलर के साथ मिला हुआ है, ये इसका बॉस होता है। यहाँ हमें किलर का नाम भी पता चलता है, उसका नाम होता है महागनी। और फिर हम देखते हैं कि अब लियोन को रोज सपने में उस ट्रेन में हुए हादसे दिखाई देते हैं और वो खुद ही लोगों को मारता हुआ उस ट्रेन में दिखता था। इन सबसे लियोन काफी परेशान हो जाता है और फिर से महागनी की फैक्ट्री में उसका पीछा करता है और उसकी फोटो क्लिक करने लगता है, जिससे महागनी उसे दोबारा से देख लेता है और वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन लियोन अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद माया लियोन के घर पर आती है और वो वहां पर बहुत सारी फोटोज को देखती है जो कि किलिंग से रिलेटिव होती है। लियोन उसको बताता है कि ये किलिंग 19 के दशक से हो रही है और इसके जुर्म में एक बुच्चर को पकड़ा गया था, लेकिन उसको छोड़ दिया गया था क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। लियोन माया से कहता है कि पिछले 3 सालों से हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो भी रात को उस ट्रेन को पकड़ता है वो लौटकर कभी भी वापस नहीं आता। ये सब सुनकर माया उसे कहती है कि उसे ये सब छोड़कर अपने काम पर फोकस करना चाहिए। इसके बाद महागनी फिर से अपने शिकार पर निकल पड़ता है, लियोन भी उसका पीछा करने लगता है और पहली बार वो उस ट्रेन में चढ़ता है। लियोन वहीं दूसरे कैबिन में छुपकर बैठ जाता है और जैसे ही महागनी 2 लोगों को हैमर से मारता है वो उसकी बहुत सारी फोटोज लेना चालू कर देता है। फिर हम देखते हैं किलर उन लोगों की बॉडी से उनके जूते कपड़े वगैरह उतार देता है, उनके दांत भी वो तोड़ देता है, साथ ही वो उनके बालों को भी काट देता है। किलर उनको पूरी तरह से क्लीन कर देता है और सभी बॉडीज को हुक में लटका देता है और ये सीन मूवी का काफी डिस्टर्बिंग और डरावना सीन है। तभी महागनी लियोन को उसकी फोटो क्लिक करते हुए देख लेता है और वो उसका पीछा करता है और वो उसे पकड़ लेता है, फिर वो उसे मारकर बेहोश कर देता है। जब लियोन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो भी हुक से लटका हुआ है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ क्रिएचर आते हैं जो कि उसकी पीठ पर एक टैटू बनाकर चले जाते हैं, ये एक तरह का साइन होता है। और जब दोबारा लियोन की आंख खुलती है तो वो खुद को एक फैक्ट्री में पाता है क्योंकि उसकी जान अब बच चुकी है। वो किलर महागनी उसको छोड़ देता है और वो वहाँ से भागकर बहुत ही जख्मी हालत में घर आता है और जो कुछ हुआ वो सब माया को बताता है और कहता है कि ये सब मर्डर महागनी कर रहा है, उसने सबको मार दिया है और उनकी बॉडी सुनसान स्टेशन पर ले जाता है जिससे कि किसी को भी उनकी बॉडी ना मिले। लेकिन लियोन के पास कोई सबूत नहीं होता क्योंकि उसका कैमरा महागनी ने छीन लिया था। उसके बाद माया इस बात को क्लियर करने के लिए अपने फ्रेंड चार्गिस के साथ महागनी के घर जाती है जहाँ पर वो रहता था। वहाँ पर उसे काफी अजीब तरह के औजार मिलते हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं और जिससे वो बॉडी को काटा करता था, और तभी वहाँ पर महागनी आ जाता है और वो चार्गिस को पकड़ लेता है। अब माया को वहाँ पर एक डायरी मिलती है, इस पर 1911 से लेकर उसने जितने भी मर्डर किए थे और जिस ट्रेन में जिस भी समय जो जो मर्डर हुए थे वो सारी डिटेल लिखी हुई थी उस डायरी में। ये सब देखकर माया को लियोन की बातों पर यकीन हो जाता है कि सच में महागनी ने ये सारे मर्डर किए हैं और वो लोगों को मार रहा है। उसके बाद जब वो चार्गिस को ढूंढती है तो उसे महागनी दिखता है, जिससे कि वो अपनी जान बचाकर भागने लगती है और वो सीधा डिटेक्टिव के पास जाती है और उसे बताती है कि महागनी लोगों को ट्रेन में मार रहा है। लेकिन डिटेक्टिव उसकी बात पर यकीन नहीं करता, जैसे कि उसने लियोन की बात पर भी यकीन नहीं किया था। वो बोलती है कि महागनी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन लिखवाई है कि तुमने उसकी डायरी चुराई है। माया यहाँ डिटेक्टिव से बोलती है कि डायरी उसके पास नहीं चार्गिस के पास है और डायरी को पाने के लिए उसे चार्गिस को ढूंढना होगा। ये बोलकर माया यहाँ से निकल जाती है और घर जाकर डिसाइड करती है वो गन लेकर महागनी को शूट कर देगी। जैसे ही वो गन लेकर घर से निकलने वाली होती है वहाँ डिटेक्टिव आ जाती है और उसे बोलती है कि वो डायरी उसे वापस कर दे। इस बात से माया को गुस्सा आ जाता है और वो उसी पर गन तानकर पूछती है कि चार्गिस कहाँ है। डिटेक्टिव उसे बताती है कि चार्गिस उसी ट्रेन में है जो कि लास्ट स्टेशन पर रुकने वाली है और उसे 2 बजे वाली पहली ट्रेन पकड़नी होगी। और हमें यहाँ पर पता चलता है ये डिटेक्टिव भी उस किलर महागनी से मिली हुई है। उसके बाद माया आखिरी ट्रेन पकड़ लेती है और जब वो उसमें दूसरे कैबिन का गेट खोलती है तो वहाँ का सीन देखकर शॉक्ड हो जाती है। वहाँ पर बहुत सारी बॉडीज हुक से लटक रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी बूचड़खाने में आ गई हो, और इन्हीं बॉडीज में चार्गिस भी उसे जिंदा लटका हुआ मिलता है। माया उसका हुक निकालने की कोशिश करती है लेकिन तभी महागनी वहाँ आ जाता है। तभी वो माया को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन उतने में लियोन वहाँ पर आ जाता है। तब महागनी और लियोन के बीच में काफी ज्यादा फाइट होने लगती है और लास्ट में लियोन उस किलर को हरा देता है और उसे ट्रेन से बाहर फेंक देता है।
और इन दोनों को लगता है कि अब इनकी जान बच गई है। लेकिन तभी ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकती है और उस ट्रेन का ड्राइवर उनके पास आता है और उनसे कहता है कि मीट से दूर रहना, मतलब वहाँ पर जितनी भी डेड बॉडी है उनसे दूर रहना। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि इन सब लोगों को क्यों मारा जा रहा है। वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर आते हैं जो उन बॉडी को खाने लगते हैं। इन लोगों को इसलिए मारा जा रहा था ताकि वो इन लोगों का खाना बन सके। और ये दोनों सब जानने के बाद इस ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं और तभी महागनी दोबारा से आ जाता है क्योंकि वो अभी मरा नहीं था। और वो लियोन पर हमला कर देता है और उन दोनों में फिर से काफी फाइट होने लगती है। लेकिन आखिर में लियोन उसके गले में हड्डी घुसाकर उसे मार डालता है। और तभी वहाँ पर ड्राइवर आता है और वो बताता है कि ये क्रिएचर इंसानों के पैदा होने से पहले यहाँ रह रहे हैं। और उसे ये भी बताता है कि महागनी का यही काम था कि वो लोगों को मारे और उन क्रिएचर को खिलाए। वो ऐसा इसलिए करता था ताकि ये क्रिएचर दिन में किसी पर हमला ना करें, क्योंकि अगर इन्हें छोड़ दिया जाए तो ये दिन में बहुत सारे लोगों को मारकर खा जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक थे। इसलिए ही महागनी लोगों को मारता था और इनका खाना बनाता था ताकि पूरी दुनिया में एक संतुलन बना रहे। और उस काम के लिए आगे लियोन को चुना गया था क्योंकि जो टैटू क्रिएचर ने लियोन पर बनाया था उसका यही साइन था कि आगे उसी को लोगों को मारकर इन क्रिएचर को खिलाना होगा। ये सुनकर लियोन उस ड्राइवर पर हमला कर देता है, लेकिन वो ड्राइवर उसका गला पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है। और ये देखकर हमें पता चल जाता है कि ड्राइवर काफी ज्यादा पावरफुल है। ये भी हो सकता है ये उन्हीं क्रिएचर में से एक हो जो काफी ज्यादा विकसित हो चुका है। उसके बाद वो लियोन की जीप को खींचकर बाहर निकाल लेता है ताकि वो कुछ बोल ना सके। उसके बाद वो ड्राइवर माया के पास जाता है और एक चाकू से उसे चीरकर उसका दिल निकाल लेता है। और उसका दिल निकाल कर वो लियोन को दिखाता है और कहता है हमारे लिए काम करो बिना किसी सवाल जवाब किए। और लियोन अपनी गर्लफ्रेंड को सामने मरते हुए देख काफी सदमे में चला जाता है। और फिर हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि टीवी पर माया का मिसिंग रिपोर्ट देख रही थी। और उसके बाद वो महागनी का सारा सामान एक नए किलर को देती है और अब से ये सारे लोगों को मारेगा और उनकी रेजर का खाना बनाएगा। और लास्ट में हम इस किलर को देखते हैं और ये और कोई नहीं बल्कि लियोन होता है जिसने किलर बनने का फैसला कर लिया था। और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है।